ANDF की टीम बकायदा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं DDDC का ये ऑफिस है और यहाँ पर जो है नए तहसीलदार के साथ तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है कुरियर के थ्रू जो है 7 kg नार्कोटिक सब्सटेंस जो है उसकी डिलीवरी के लिए जो है वो कुरियर यहाँ पहुँचा था, जिसे श्रीनगर के रास्ते यहाँ लाया गया और यहाँ से जो है वो महाराष्ट्र तक ले जाना था, वहाँ पर सप्लाई करना था। फिलहाल यहाँ की अगर मैं बात बताऊँ तो लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय जो है यहाँ पर ANDF की टीम और बाकायदा यहाँ के नैब तहसीलदार जो है वहाँ मौजूद थे, उन्हीं की यूरिडिक्शन में जो एरिया आता है वहाँ पर बाकायदा ये सब्सटेंस जो है उसे जो है रिकवर किया गया है और बकायदा पूरी इक्विपमेंट्स के साथ ये लोग यहाँ पहुँचे थे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 7 kg मात्रा बताई जा रही है, हालांकि ये सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन जो हमारे तक पहुँची इसकी पुष्टि जो है वो हम नहीं करते हैं, लेकिन इतना जो बताना चाहूँगा कि जो आपने बैग देखा है उस बैग में जितना भी जो नार्कोटिक सब्सटेंस आपने देखा है वो तमाम नशीला पदार्थ जो है वो श्रीनगर से कुरियर किया गया पहले तो जम्मू में, और जम्मू के बाद जो है इसी नशीले पदार्थ को जो है वो महाराष्ट्र जो है वहाँ तक पहुँचाना था। लेकिन यहाँ पर जो है इसी दफ्तर की अगर बात करें, आप देख सकते हैं DDDC का ये डिलीवरिंग वैल्यू पॉइंट है और यहाँ पर जो है इस कुरियर को सप्लाई किया गया और यहाँ से जो है आगे महाराष्ट्र तक जो था वो सप्लाई करना था। ANDF टीम को जैसे ही भनक लगी, उन्हें सूचना मिली, वो यहाँ पहुँचते हैं अपनी पूरी बकायदा टीम के साथ और उस नार्कोटिक सब्सटेंस को जो है अपने कब्जे में ले जाता है। बकायदा वेइंग किया गया है और वेइंग के बाद ये उसका जो टोटल वेट है यानी कि कुल मात्रा जो है सब्सटेंस की वो 7 किलो बताई जा रही है। इसकी कन्फर्मेशन बहु एक्सप्रेस या News19 जो है वो नहीं करता, लेकिन तभी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये नशीला पदार्थ जो है श्रीनगर के रास्ते यहाँ लाया गया है। लगातार सीमा पार से जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकत करता हुआ आया, एक बार फिर से ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अब जो कहीं ना कहीं ये संगठन जो आतंकी हैं या फिर जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पैसा जो है उसे जल्द से जल्द कमाया जाए, इस तरीके की हरकतें और सीमा पार से जो सब्सटेंस को लाया लाया था और श्रीनगर के रास्ते जम्मू और जम्मू के रास्ते जो है पंजाब और महाराष्ट्र और आगे पीछे जो है उसे सप्लाई किया जाता है। फिलहाल इसे जो है कुरियर किया गया जम्मू में और जम्मू श्रीनगर से यहाँ पहुँचता है और यहाँ इसके बाद जो है अब इसे जो है आगे महाराष्ट्र तक सप्लाई करना था। बाकायदा यहाँ के जो पुलिस इंचार्ज थे वो यहाँ मौजूद थे, ANDF टीम के पूरे तमाम उच्च अधिकारी यहाँ मौजूद थे। उनके अलावा अगर बात करें नैब तहसीलदार जिनकी अध्यक्षता में पूरा ऑपरेशन जो है उसे कंडक्ट किया गया वो भी यहाँ मौजूद थे। मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं की गई, लेकिन यहाँ से अभी अभी ANDF की गाफिला जो है वो निकला है। आपने तस्वीरें अपने वॉइस स्क्रीन पर देख लें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के बढ़ रहे हैं News19 के साथ, तो न्यूज़ 19 के लिए जय हिंद।